कैसे डिफाइन करते हैं वेव. व्हाट इज वेव? वेव इज डिस्टर्बेंस. लेकिन केवल डिस्टर्बेंस कहना सफिशिएंट नहीं होगा. इट हैज टू प्रोपोगेट. वेव तभी वर्ड यूज करते हैं जब वो प्रोपोगेट कर रहा हो. तो वेव इज प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस. Wave is propagation of disturbance. So, to propagate, do we need any medium? है ना, propagate करने के लिए क्या medium required है? तो फॉर सर्टेन टाइप ऑफ वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड एंड फॉर सर्टेन टाइप इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो डिपेंडिंग अपॉन मीडियम इज रिक्वायर्ड और नॉट, यू हैव टू टाइप ऑफ वेव. वन इज नोन एज मैकेनिकल वेव. एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Mechanical wave and electromagnetic wave. So mechanical wave needs medium to propagate. Mechanical wave needs medium to propagate. But electromagnetic wave does not require any medium. तो एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको यह दिखेगा कि 11th में जो वेव पढ़ना है उसमें मैकेनिकल वेव है ना, और 12th में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एक टाइप चैप्टर भी है, और वेव ऑप्टिक्स जो है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो वेव मैकेनिकल वेव का मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज साउंड वेव. विदाउट मीडियम साउंड कैनॉट प्रोपगेट. साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए. और भी डिफरेंट मेथड है क्लासिफाई करने का वेव को. जैसे कुछ वर्ड से तुम अवेयर हो, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ वेव. ट्रांसवर्स और क्या हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल. एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव. लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज साउंड वेव. और भी तुम क्लासिफाई कर सकते हो वेव में भी. वन डायमेंशनल, इट में भी टू डायमेंशनल, इट में भी थ्री डायमेंशनल. वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल.